पंजाब सरकार ने एक माइलस्टोन बना दिया है, एक ऐसी मिसाल जो सालों तक दी जाती रहेगी कि उपद्रव करो, अपराध करो और लाखों पाओ। ये स्कीम सिर्फ पंजाब ही दे सकती है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया। तब कुल 83 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीएम चन्नी ने ये जानकारी ट्वीट कर दी। जनवरी में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में कथित किसान लाल किले तक पहुंच गए थे, यहां तक कि वहां धार्मिक झंडा भी फहरा दिया गया। इसके बाद दिल्ली में हिंसा हुई थी। सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा था। रिपब्लिक डे के दिन पूरा देश हैरान होकर हिंसा की वारदातों को आंखें गड़ाए देख रहा था। दिल्ली पुलिस को लहूलुहान होते देख रहा था, सड़कों पर तांडव देख रहा था और उन्हीं उपद्रवियों को लाखों का इनाम दिया जा रहा है। खैर, पंजाब में चुनाव है और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि चुनाव को जीतने के लिए वो किसी भी सिद्धांत या आदर्श को कुचल सकती है, फिर चाहे देश का कोई भी नुकसान होता रहे। ये है कांग्रेस की राजनीति कि उपद्रव दंगा करने वालों को भी लाखों इनाम में मिलते हैं ताकि वो फिर से देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सके।